सर, तो हम एक क्लास क्वेश्चन का, ये थोड़ा इररिलेवेंट है लेकिन स्टिल मैं जानना चाहूंगी क्योंकि आप एंटरटेनमेंट से बिलोंग करती हैं, तो आपका बिग बॉस से तो काफी यू नो कनेक्शन रहा है। नो, आई विल नॉट टॉक अबाउट बिग बॉस यार, इसके लिए हम लोग दोबारा मिल सकते हैं फिर कभी। वाइस जब साइलेंस प्लीज, इनका वो सब चलते रहते ना ठाक। तो भाव और मैम, सबसे पहले नमस्कार आप लोगों को, और सीधा पहला सीधा सवाल मैं मैम से पूछना चाहूंगी। मैम, आप दो दशक से फिल्म इंडस्ट्री में है, तो अचानक आपको राजनीति में इंटरेस्ट कैसे आ गया? नहीं, ये अचानक नहीं है, मैं हमेशा से ज्वाइन करना चाहती थी, पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ही ज्वाइन करना चाहती थी, ये बहुत सालों से था। लेकिन टेलीविज़न में बहुत बिज़ी रही, टीवी ने मुझे बहुत बिज़ी रखा। अब जैसे ही आप सब जानते हैं कि मेरा शो बंद हुआ है अभी अभी शक्ति, तो जैसे ही शो बंद हुआ मैंने तय कर लिया था कि अब मैं वो करूँगी जो मैं बहुत सालों से करना चाहती थी। तहसीन पूनावाला को मैं बिग बॉस 13 में मिली थी और उसके बाद हमारी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई। मैंने उनसे ये डिस्कस किया कि मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहती हूँ, मैं कांग्रेस ज्वाइन करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे गाइड किया, उन्होंने मुझे भाई से मिलवाया, एंड देन आगे तो अभी आप सबको पता है कि मैं यहाँ हूँ। ओके, तो आपने ये बताया कि कांग्रेस पार्टी में ही जाना था जी, क्यों जाना था? मेरी फैमिली कांग्रेस फॉलोवर रही है हमेशा से, मैं बड़ी हुई हूँ उनके बारे में सुनते सुनते, अपने परिवार में, अपने घर में, मेरे फादर, मेरी मम्मी, मेरे चाचा, मेरे दादा, एवरीबॉडी यू नो बिग फॉलोवर ऑफ इंदिरा गांधी मैम एंड राजीव गांधी सर एंड सोनिया गांधी मैम। सो इतने जब आप बड़े होते हो वही सोचकर, फिर उसके बाद जब मैंने देखा कि राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी जिस तरीके का काम करते हैं, वो जिस तरीके की उनकी सोच है, मैं बहुत इंस्पायर हुई हूँ। जिस तरीके से अभी भी प्रियंका मैम ने अनाउंस किया है यूपी में कि 40% सीट्स औरतों को दी जाएगी, ये चीज़ इतनी इंस्पायर की, वो जो नारा है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये चीज़ मुझे इंस्पायर करती है। आप सब ने देखा ही होगा मैंने हमेशा औरतों के लिए आवाज़ उठाई है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अपनी लाइफ में मैंने भी एक्सपीरियंस की है, डोमेस्टिक वायलेंस को मैंने बहुत नज़दीक से देखा है, तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ, तो एक ऐसी औरत के साथ मिलकर क्यों ना काम करूँ जो खुद औरतों के लिए इतना बड़ा एग्जाम्पल सेट कर रही हैं। सो यस, हमेशा से चाहती थी और आज उस सोच पर मुझे इतना गर्व है कि मैं जिस पार्टी को मेरी फैमिली फॉलो करती थी वो इतना अच्छा काम करें कि मैं वहीं से मुझे इंस्पिरेशन मिली है कि मैं उन्हीं के साथ काम करूं। वो सोच बदली नहीं, यू नो चाहती तो मैं एक ऐसी पार्टी में भी जाती जहां जो पावर में है, लेकिन इट्स नॉट अबाउट पावर, इट्स अबाउट डूइंग समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी, डूइंग फॉर द वुमेन ऑफ दिस कंट्री, यू नो। सो यस, कांग्रेस पार्टी। तो ऐसे टोल कि मेनली आपका फोकस राजनीति में आने के बाद वुमेन एम्पावरमेंट होगा, राइट? तो नहीं, ऐसा नहीं है, मैं अपने आप को सीमित नहीं करना चाहती, लेकिन हाँ इस एंगल में मैं बहुत काम करना चाहती हूँ। ओके, तो ये जानना है कि इसके अलावा भी आपका कौन सा एंगल या मोटिव होगा पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के बाद, मेन फोकस आपका कहाँ रहेगा? आई वॉन्ट टू सर्व माई कंट्री, मैं देश की सेवा करना चाहती हूँ, मैं जेन्युइनली करना चाहती हूँ। ये जैसे हर कोई कहता है कहने के लिए लाइन, ऐसे मुझे दी नहीं गई है, ये मैं जेन्युइनली करना चाहती हूँ, वो जरूर है मेरे अंदर। आपने देखा ही होगा मैं जिस तरीके से सोशल मीडिया में भी आवाज़ उठाती हूँ, अब मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पे मैं आवाज़ उठाने के साथ साथ उन मुद्दों पर काम भी कर सकूँ। सो यस, दैट्स व्हाई आई एम हियर। तो मैम, आप राजनीति में तो फिलहाल आ गई हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगी, व्यूअर्स और आपके फैंस ये जानना चाहेंगे कि आप एक्टिंग को त्याग देंगी या राजनीति में? फिलहाल ऐसा मैंने कुछ सोचा नहीं है, मैं डेफिनेटली एक्टिंग करना चाहूँगी, मैं बैलेंस करूँगी, लेकिन हाँ आगे अगर मेरी ज़रूरत यहाँ पे, मेरा वक्त यहाँ पे अगर ज़्यादा डिमांड करता है तो आई विल कम योर फुल टाइम। ग्रेट। तो जैसा आपने बताया कि पूना वाले ने आप में वो कुछ तो देखा होगा कि यस शी कैन डू इन पॉलिटिक्स एंड ऑल, तो भाव ने आई मीन क्या ऐसा सोचा कि आपको लेने के लिए मान गए, फॉरवर्ड हुए आपको? यस, ये एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, भाई को पहले से ये मैंने तो ऐसा कहा था कि मैं एज अ फेस नहीं आना चाहती, मैं पार्टी में, मैं कांग्रेस का फेस नहीं हूँ, मैं यहाँ काम करने आई हूँ, जिस तरीके का काम आप लोग करते हैं मैं वो करने आई हूँ। तो भाई ने भी ये नहीं सोचा कि चलो एक टेलीविज़न फेस है तो इसको लेते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, उनकी सोच
बहुत ही अलग है, उनका तरीका काम करने का बहुत अलग है। आगे अगर वो ही कहेंगे तो बेटर रहेगा। उन्होंने मुझसे बहुत सारी बातें की, इट्स नॉट दैट कि चलो ले लो, कोई आ रहा है तो ले लो, ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन एक्चुअली भाव से ही था, तो आपको सोन जो है कैसा लगा आपको लेकर? ऐसा है कि इस देश में कांग्रेस पार्टी ने जितने सेलिब्रिटीज देखे, जितने सेलिब्रिटीज कांग्रेस के साथ रहे, शायद ही किसी पार्टी में होंगे, क्योंकि इस देश का निर्माण, इस आज़ादी का निर्माण कांग्रेस के जरिए हुआ। जाहिर है कि उस दौर से आज तक बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ कांग्रेस पार्टी में आए, कुछ लोग अपना करियर संभालने के लिए वापस भी गए। जब मैं इनसे मिला, जब मेरी तहसील में पुनावाला जी से बात हुई और हम मिले, और मैंने एक देखा कि ये सिर्फ चेहरा नहीं है। जब बॉलीवुड की बात आती है, टेलीविज़न की बात आती है, तो स्क्रीन की बात आती है, तो ऑलवेज द फेस मैटर्स। बट फॉर मी एज अ प्रेसिडेंट ऑफ मुंबई, व्हेन आई स्पोक विद दिस यू नो लेडी कामया, सो आई फाउंड ये सिर्फ चेहरा नहीं है, इसके पीछे सोच भी है। और आई रियली अप्रिशिएट दिस। वेरी फ्यू पीपल आई नो, सो मेनी इन बॉलीवुड ऑल्सो, आई हैव यू नो स्ट्रांग relation with so many people in Bollywood, but as I said, कि they have their own, उनका एक aura होता है, उनके उनका एक ये होता है, area होता है, इनका एक area है, but उसके साथ साथ उनके उनके पास सोच है, और वो सोच जो एक woman empowerment की बात कर रही है, और वो ये बात शायद उन्होंने बताई है, जहाँ तक domestic violence का सवाल है, आज पूरे देश में अगर सबसे बड़ी पीड़ा क्या है, तो वही सबसे बड़ी पीड़ा है। हम आज़ाद तो हुए, 75 साल हुए, लेकिन क्या हमारी बहन, हमारी घर की महिला उतनी आज़ाद हुई है जितना हमने सोचा था? तो उसका जवाब सिर्फ और सिर्फ नहीं करके आएगा। और ये सोच जो है, ये बहुत मायने रखती है। आज जिस तरह से प्रियंका गांधी हर लम्हे के लिए, चाहे वो उन्नाव की घटना हो, चाहे वो हाथरस की घटना हो, चाहे लखीमपुर खीरी की घटना हो, चाहे जो परिवार को एक पुलिस, ये परिवार को जो एक इसको मारा गया, अभी जो उनके घर पे गई, तो ये एक जज्बा होता है जो मैंने कामया में देखा। और मुंबई की है भाई, मुंबईकर है, यहीं पे पैदा हुई है, यहीं पे पढ़ी लिखी है। ये बात और है, उनके शौहर जो है वो दिल्लीआइट्स है भाई, दिल्ली और मुंबई का मिलाप है ये, और हमें हमें उसका फ़ायदा होगा। दिल्ली में भी कामया जी काम कर सकती है, मुंबई में भी काम कर सकती है, और बहुत अच्छी बात है कि एक एक चेहरा है, उसके साथ सोच भी है जो कि कांग्रेसी सोच है, जो उनके परिवार की सोच रही। मुझे बड़ी खुशी है कि आज कांग्रेस पार्टी में वो सम्मिलित हुई है। मैं उनका स्वागत करता हूँ तहे दिल से। ओके सर, तो हम एक लास्ट क्वेश्चन का, ये थोड़ा इररिलेवेंट है लेकिन स्टिल मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि आप एंटरटेनमेंट से बिलोंग करती हैं, तो आपका बिग बॉस से तो काफी यू नो कनेक्शन रहा है। नो, आई विल नॉट टॉक अबाउट बिग बॉस यार, इसके लिए हम लोग दोबारा मिल सकते हैं फिर कभी। ओके, तो आपका जो सोच विचार लेके आप आए हैं काफी अच्छा है, सो होप एंड कांग्रेचुलेशंस आपके आगे की जर्नी के लिए। थैंक यू, थैंक यू, गिव मी ऑल योर लव एंड ब्लेसिंग्स। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, एंड सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, बिकॉज़ दैट मैसेज व्हिच वाज सर्कुलेटेड टू यू गाइस, दादरिया आ रही वो थोड़ा सा दैट वाज द कंफ्यूजन, दैट वाज द होल कंफ्यूजन, रियली सॉरी फॉर दैट, एंड वी सफर अ लॉट फॉर दैट। एनीवेज तसा करो आप जी ना, यू यू भाई बात, मैं साथ में, आई डोंट नो व्हाट सॉर्ट ऑफ रिलीजियस यू कर रहे हैं, हम से बात कर रहे हैं, हम से देंगे यू नो डू दैट राजीव गांधी अवार्ड्स कंटीन्यूअसली 10 इयर्स ही डिड आई 12 इयर्स ही डिड मैंने अटेंड भी किया था भी ऐसे ध्यान में और जो सेलिब्रिटी एनीवन सब और सारे वो जो माफी मांगा था विनय बबेरा ने, वो राजीव गांधी अवार्ड से ही मांगा था सलमान के सामने, उसने कान पकड़ के माफी मांगी थी, और स्टेज पे सारे मीडिया वो वही था, वही था, सारा मीडिया था,
तो हमारा ये मत रिकॉर्ड कर लेना आप लोग भी कर देंगे सर भाई ओके सर डन ऑडियो रिकॉर्ड कर